सितम की इंतहा पर चल रही है, सितम की इंतहा पर चल रही है, ये दुनिया किस खुदा पर चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में आज रामनवमी का पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम याद किए जा रहे हैं। हमारे पास खबर आ रही है शिमला से। शिमला के जाखू मंदिर में आज पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। यहां पहुंचकर उन्होंने भगवा झंडा फहराया और पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने आरती में भी हिस्सा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को विष्णु का ही एक रूप कहा जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु ने ही त्रेता युग में श्री राम का अवतार लिया था और दानवों का विनाश किया था। लिहाजा रामनवमी के मौके पर आज पूजा अर्चना की जा रही है विभिन्न मंदिरों में। हमारे पास झारखंड से खबर आ रही है। झारखंड के निरसा में शासन बेड़िया हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भीड़ काफी यहां उमड़ी रही और भक्तों ने यहां रामनवमी के मौके पर पूजा अर्चना की और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उनकी आस्था देखते ही बन रही थी। हम आपको दिखाएंगे कुछ खास तस्वीर। जन्मोत्सव, हनुमान जी का पूजन अर्चन, चैत्र मास मधुमास का महीना है। कहते नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरित प्रीता। कहते हैं कि जब जब धरती पर अत्याचार होता है तब तब प्रभु का अवतार होता है, दुष्टों का संहार होता है और सत्पुरुषों का उद्धार होता है। तो आज रामनवमी का पर्व जो है उसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, अरहुनाथ मम सज्जन पीरा। जब जब धरती पर अत्याचार होता है तो महापुरुषों का दुख हरने के लिए भगवान का अवतार होता है और आज भगवान श्री रामचंद्र जी का चारों भाइयों का पदारोपण इस भूमि पर, भूमि का भार हल्का करने के लिए अवतारित हो रहे हैं और सत्पुरुषों की रक्षा के लिए आज उनके जन्म में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हनुमान जी सेवक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और आज इन्हीं का उपासना जो है बड़े भक्ति भाव से किया जा रहा है। तो समस्त भक्तगण, हनुमान जी का जन्मदिन पूर्णमासी का दिन है और भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव आज है, बड़ा ही पावन मौका है
मनोकामना पूर्ति के लिए ध्वजारोपण, भगवान जी का पूजन अर्चन, चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ, जिसको यथाशक्ति बन सके करना चाहिए और सब मंगल कामना पूर्ति होगा। कहते हैं कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान जी, आपका संकट हरने वाले हनुमान हैं, सारे भक्तों का संकट हरण करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में कुछ ही पलों में आज सासनवड़िया ग्राम में हनुमान जी के मंदिर में पूजा प्रारंभ होने जा रहा है और विलम्ब न करते हुए दरबार में आए। रामनवमी के मौके पर जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। आसनसोल में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी के मौके पर, और इस मौके पर जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। आपको हम दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें कि किस तरह से लोगों में विश्वास और आस्था दिखता रहा भगवान श्री राम के प्रति। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी शोभा यात्रा निकाली गई। हरिपुर ब्लॉक में शोभा यात्रा के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हमारे रिपोर्टर विश्वजीत साह की रिपोर्ट। आसनसोल में उपचुनाव होना है लोकसभा का 12 अप्रैल को, और इसे लेकर तैयारियां पूरी जोर शोर से की गई हैं। एक तरफ प्रशासनिक तैयारियां और दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी
तैयारी काफी जोर शोर से की गई है। चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया और आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया काफी जोर शोर से। युद्ध स्तर पर सभी ने अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चलाया और जनता को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश की गई और आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया और उसके बाद सभी इंतजार कर रहे हैं चुनाव की। 12 अप्रैल को चुनाव होना है। आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कांग्रेस की तरफ से आज एक रोड शो किया गया और इस रोड शो में खास तौर से हिस्सा लेने यहां पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अधीर रंजन चौधरी। কংগ্রেস মুক্ত স্লোগানে দিদি আর মোদী এই সমাবস্থান আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিরুদ্ধে বলা তো খুব সহজ, কিন্তু নিজেদের অতীতটা এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে দেখার জন্য আমি তাদের কাছে দাবি রাখলাম। বহুরূপী সিনহা কখন কোথায় যাবে ট্র্যাক রাখতে হবে, গুগল সে ট্র্যাকিংয়ে রাখতে হবে যে সিনহা কোথায় যাচ্ছে। বহুরূপী সিনহা কখনো বিজেপি নেতা, কখনো কংগ্রেসের নেতা, কখনো তৃণমূল নেতা, এরপরে আর কোথায় যাবে আমার জানা নেই। তাই তাদেরকে নিয়ে মন্তব্য করা বলাই ভালো। মানুষ যাকে খুশি ভোট দেবে, আমার সেখানে কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যে চরিত্র, তাদের কোনো রাজনৈতিক স্থিরতা নাই, তাদের কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নাই, এটা তো এলাকার মানুষ দিন চলছে বাংলায় ধর্ষণ, দোষ, হত্যা, আগুন, এই বাংলার আজকের সব থেকে বড় পরিচয়। এ বাংলায় শিল্প নেই। इधर भारतीय जनता पार्टी की प्रार्थी अग्निमित्रा पाल ने जय श्री राम के नारों के बीच अपना चुनाव प्रचार अभियान चलाया। आज रामनवमी के मौके पर जय श्री राम के नारे लगाए गए और चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया। इस मौके पर जाने माने भोजपुरी के लोक गायक और सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित थे। उन्होंने अपने अंदाज में यहाँ लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। आइए हम दिखाते हैं पूरी तस्वीर। मंदिर अब बन लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है, आसनसोल जगने लगा है, रंग चढ़ने लगा है। और अग्नि मित्रा कौन नाम है अग्नि अब जगने लगा है, आसन सुन जगने लगा है, अग्नि भी जगने लगा है। अग्नि जब असर करेगी सोच न जाना क्या होगा। मैं जितना घूम चुका हूँ ये मेरा
पुरुलिया जिले के नितुरिया स्थित पारबेलिया गांव में एक मंदिर का उद्घाटन किया गया और यहां गंधेश्वरी पूजा कमेटी की तरफ से कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भी काफी संख्या में भीड़ देखी गई। आपको जानकारी दे दूं कि इस मंदिर का उद्घाटन पारबेलिया के एजेंट आनंद प्रकाश ने फीता काटकर किया। इस मौके पर आनंद प्रकाश ने यहां पूजा अर्चना भी की और अपनी आस्था भी दिखाई। इस मौके पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी गई। हमारे रिपोर्टर राजन सिंह की रिपोर्ट। ग्राम छाड़ाओ एलाकार समस्त मानुष सहयोगिता द्वारा हमारे मंदिर प्रतिष्ठा होते चले। आज प्रतिष्ठार दिन 108 बाड़ी हमारा रामघाट के लिए एसेछि, तार साथे प्राय 1000 अधिक पदयात्री जरा हमारे ये शोभायात्रा अंशग्रहण करेछिलेन और तादेर सकलेर सहयोगिताय आमरा ये मंदिर प्रतिष्ठा करते चले। फीता केटे उद्बोधन के करलेन प्रकाश साहेब एजेंट पारबेलिया कलियारी एवं ताके सहयोगिता करेछेन आमादेर एखानेर বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অনিল চন্দ্র দে মহাশয় এবং সমস্ত গন্ধমণি সমাজের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আপনার নাম? আমার নাম জয়দেব চট্টোপাধ্যায়, এখানে প্রধান পুরোহিত এবং এলাকার বিশিষ্ট ভক্ত। आसनसोल में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुंचे। उनके साथ थे पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री और विधायक मलय घटक। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर मलय घटक के साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुंचे और यहां लोगों के लिए उन्होंने किस तरह का संदेश दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं। গত দুবার কোভিড এর জন্য হয়নি, এবারে রামনবমী আবার হচ্ছে। আমরা যেমন প্রতি বছর থাকি এবছরও আছি। রামনবমীতে বার্তা কি দিবেন সাধারণ মানুষকে? দেখুন, আমাদের প্রত্যেকটা পুজো পার্বণ হয়, আমরা হ্যাঁ সারা বছর মানুষ সুখী থাক, খুশি থাক। আজকে পূজার শেষ দিন, কি বলবেন? দেখুন, আমাদের ক্যান্ডিডেট পিক্সের মধ্যে বললেন, আমরা প্রচার করছি। এখানে রামনবমীর মিছিল ছিল, আমি এবং প্রার্থী দুজনেই এসেছিলাম। যারা রামনবমীতে আজকে আখড়াতে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানালাম। সবাল আপ উস দিন পুছ রো, রামনবমী কে দিন ইতনি বড়ি যাত্রা, ইতনি বড়ি শোভা যাত্রা, রামনবমী কি বিজয় যাত্রা, আজ সব দেখা মানে, ইতনা বিশাল রূপ দেখা, জনতা জনার্দন কা ও রূপ দেখা, জো ইসকে পহলে शायद मैंने कभी नहीं देखा था। आज अपने आसन सोल में देखा, गदगद हो गया हृदय। मेरी यही प्रभु से, राम से या तमाम प्रभु से
यही मेरी कामना है कि आज प्रचार के अंतिम दिन में, इस प्रचार के अंतिम दिन में सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी प्रार्थना स्वीकार हो, समाज में शांति हो, सुख हो, सद्भावना हो, प्रगति हो और प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। इसी कामना के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ अभी मैं आगे दूसरे और कार्यक्रम में जा रहा हूँ। कई मंदिर में जाना हुआ, अभी मेरी पत्नी भी रामनवमी क्या वार्ता दीजिएगा सर? अरे रामनवमी का ही तो बोल रहा हूँ, मैं तो खुद आज की रामायण के राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। मेरे तो घर का ही नाम रामायण है, हम तो चार भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। हमारे दो जुड़वा बेटे हैं, लव, कुश। हमारे परिवार का जो देखभाल करते हैं उनका नाम है पवन कुमार, सालों से। तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा संयोग भी है, बहुत अच्छा प्रयोग भी है और बहुत अच्छा उपहार भी है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। उधर पुरुलिया के पारबेलिया में भी शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी के मौके पर, और इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से श्रद्धालु इस शोभा यात्रा के हिस्सा बने और 8 नंबर 3 नंबर और आम डांगा होते हुए ये शोभा यात्रा गुजरी और जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। गोरखपुर में आज रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे और उन्हें भोजन भी कराया। कमाल अहमद खान की रिपोर्ट।